उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है वो बिजनेस को रन कर रहे हैं तो उन पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन आप दे सकते हो उनकी सर्विसेज के लिए और ये जो सैलरी और कमीशन है ये फॉर्म के लिए लॉस हुआ लेकिन पार्टनर के लिए गेन हुआ तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें जो आपका सैलरी और कमीशन अगर आप पार्टनर को दे रहे हैं तो उसे डेबिट किया जाएगा और इसे आप शो करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्योंकि उनको वो चीज मिल रही है लेकिन ये सिर्फ तब दिया जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड कहती है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है इसके रिगार्डिंग तो हम क्या फॉलो करेंगे जो आपके प्रोविजंस है पार्टनरशिप एक्ट के और उसके अकॉर्डिंग कोई भी सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को नहीं दी जाती है देन नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में mention है जनरली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना कब अप्रोप्रिएट माना जाता है वो तब अप्रोप्रिएट माना जाता है जब जो कैपिटल्स कंट्रीब्यूट जो सब पार्टनर्स ने की हैं वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं है जो कैलकुलेशन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप एक स्पेसिफाइड रेट से करते हैं और उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैपिटल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय हंड्रेड जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लॉस हुआ फर्म के लिए लेकिन पार्टनर के लिए गेन हुआ तो लॉस हुआ फर्म के लिए तो उसके हिसाब से जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें डेबिट साइड उसे आप शो करेंगे और पार्टनर के लिए गेन हुआ तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट साइड पर शो होगा नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कई बार जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी अलाउ किया जाता है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है पार्टनर से जैसा भी आपकी पार्टनरशिप डेट में मेंशन होगा, अदरवाइज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो पार्टनरशिप एक्ट के और पार्टनरशिप डेट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्ट के प्रोविजंस फॉलो होंगे और उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना ही दिया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज किया जाता है पार्टनर से तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी चार्ज किया जाएगा जब स्पेसिफिकली मेंशन होगा पार्टनरशिप डेट में और इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी जिस डेट से ड्राइंग्स निकाली गई हैं उस डेट से स्टार्ट होगा कैलकुलेशन कितना इंटरेस्ट लगेगा अप टू दी डेट ऑफ क्लोजिंग दी अकाउंट्स और ये इनकम हुई फॉर्म के लिए और पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ तो इनकम हुई फॉर्म के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसे क्रेडिट साइड पर शो किया जाएगा और ये पार्टनर के लिए एक्सपेंस हुआ तो इसे आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर शो करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं इसका इलोस्ट्रेशन नंबर वन ऑन जनवरी वन टू थाउजेंड फोर A, B, and C entered into partnership in which their contribution is 2 lakh rupees, 1 lakh 50,000, and 1 lakh respectively. So, this is capital. Ho and profit loss sharing is 3 ratio 2 ratio 1. So, this profit and loss ratio ho gai, 3 is to 2 is to 1. A and B are entitled to a salary of Rs. 1000 rupees and 500 per month respectively. 5% interest is to be allowed on capital. A drew 2000 rupees, B 4000 rupees, C 5000 rupees. Interest on these drawings being A ka 70, B ka 150, or C ka 200. Profit for the year 2004 before above adjustments was 75,000. Show how the profit is distributed and prepare the capital accounts. If they are fluctuating, if they are फिक्स्ड तो तो सबसे पहला अकाउंट अकाउंट हम बनाते हैं हैं नेट नेट प्रॉफिट प्रॉफिट कितना है है बिफोर एडजस्टमेंट गिवन हमें बाय स्टार्टिंग तो से देखते हैं क्या क्या चीज देनी है ए एंड बी आर एंटाइटल की सैलरी तो टू पार्टनर सैलरी ए ए की सैलरी थाउजेंड रुपीज पर मंथ तो 1000 इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड आ गया और बी की सैलरी फाइव हंड्रेड पर मंथ तो फाइव हंड्रेड इंटू ट्वेल्व सिक्स थाउजेंड आ गया देसेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू 150 एंड वन लैख आपकी कैपिटल है तो सबसे पहले टू लैख का फाइव परसेंट आप निकालेंगे तो ये आ गया टेन थाउजेंड आपका फाइव परसेंट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड का सेवेंटी फाइव हंड्रेड देन फाइव परसेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका वन लाख ,00 के ऊपर फाइव थाउजेंट ये आपका पूरे ईयर के लिए निकलेगा जनवरी वन से शुरू हो रहा है तो थर्टी फर्स्ट दिसंबर को जो है आपके अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो ये जो टू लाख ,00 के ऊपर आपने इंटरेस्ट निकाला फाइव परसेंट ये पूरे ईयर का आपने निकाला है देन नेक्स्ट जो गिवन है दैट इज ड्रॉइंग्स उनकी गिवन है टू थाउजेंड फोर थाउजेंड एंड फाइव थाउजेंड अब drawings यहां पर mention हम account में नहीं करते हैं, interest on drawing करते हैं. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ए का सेवेंटी बी का वन फिफ्टी और सी का टू हंड्रेड अब दोनों साइड्स को जब आप बैलेंस uh, करेंगे तो थ्री फोर नाइन टू जीरो आपका प्रॉफिट आ जाएगा और इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे थ्री इज टू टू इज वन की रेशो में तो थ्री फोर नाइन टू जीरो इंटू थ्री डिवाइडेड बाय सिक्स तो थ्री फोर नाइन टू जीरो इंटू थ्री डिवाइड बाय सिक्स आपका ए का प्रोफिट आ जाएगा देन बी के प्रोफिट के लिए अगेन थ्री फोर नाइन टू जीरो इंटू टू डिवाइडेड बाय सिक्स और सी के प्रॉफिट के लिए थ्री फोर नाइन टू जीरो इंटू वन डिवाइडेड बाय सिक्स तो ये आपका पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में जो भी है मेथड आप एडॉप्ट कर रहे हैं जो भी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए फ्लक्चुएटिंग या फिक्स तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में उसके अकॉर्डिंगली ट्रांसफर हो जाएगा अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर होगा आपके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा और अगर फिक्स मैथड आप एडोप्ट कर रहे हैं तो ये ट्रांसफर होगा करंट अकाउंट में तो करंट अकाउंट लिखा जाएगा देन नेक्स्ट जो हमें प्रिपेयर करना है दैट इज कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर के तो सबसे पहले फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना दिया हुआ है टू लाख वन फिफ्टी एंड वन लाख तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमने बनाया बाय बैंक टू लाख वन फिफ्टी एंड वन लाख देन यहाँ से जो भी सारी आइटम्स है हम उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट कर देंगे तो सबसे पहले सैलरी मिली पार्टनर्स को ए और बी को तो हमने यहाँ पे बाय सैलरी लिख दिया ए को ट्वेल्व थाउजेंड और बी को सिक्स थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टेन थाउजेंड सेवेंटी फाइव हंड्रेड एंड फाइव देन पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है ए बी और सी का तो ए बी और सी का बाय अकाउंट पर हम ड्राइंग्स हैं यहाँ है, तो पे ड्राइंग्स आपकी दी हुई है आपने सेवेंटी वन फिफ्टी एंड टू हंड्रेड शो की हुई है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेवेंटी वन फिफ्टी एंड टू हंड्रेड साइड्स को आप बैलेंस करेंगे तो ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा अगर आप फिक्स्ड मेथड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट तो जो ये एंट्री है कैपिटल की सिर्फ वो एंट्री फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी तो बाय बैंक टू लाख वन फिफ्टी एंड वन लाख एंड टू बैलेंस सीडी टू वन फिफ्टी एंड वन लाख देन जो भी बाकी सारी एंट्रीज है वो करंट अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी

इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो सिर्फ उतने ही पीरियड के लिए कैलकुलेट किया जाएगा जितने पीरियड के लिए ड्राइंग की गई है तो कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं कैलकुलेशन के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो हम यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहला जो हमारा मेथड है दैट इज एवरेज पीरियड मेथड जब आपको क्वेश्चन में डेट्स ऑफ ड्रॉइंग्स ना दी हो कुछ भी मैंशन नहीं है तो उस केस में इस मेथड को यूज किया जाता है इस मैथड के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो चार्ज किया जाता है सिक्स अकॉर्डिंग। ये करके कि जो अमाउंट विद्रॉ की है पार्टनर ने वो इवनली विद्रॉ की है थ्रू ईयर। तो जो फॉर्मूला यूज होता है इस मैथड के अंदर दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू सिक्स और डिवाइड करते हो आप उसको हंड्रेड से तो टोटल ड्रॉइंग्स Divide by 100 into rate into 6 by 12. So, let's see this equation declare clear. Illustration number 2: X, Y, and Z are partners sharing profit and loss in the ratio 5 is to 3 is to 2. Their capitals in the firm are 1,50,000, 90,000, and 60,000 respectively. They are entitled annually to draw 12,000 rupees टेन थाउजेंड रेट ऑफ टेन परसेंट पर एन एम एंड इंटरेस्ट ऑन एक्सेस एक्सेस ड्राॅइंग्राइंग्स पे आप खाली इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो इज ट्वेल्व परसेंट पर एन एम और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दे आर इंटाइटल्ड एनुअली टू ड्रॉ मतलब इतना आपने उनको ड्रॉ करने के लिए एंटाइटल किया हुआ है और जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ट्वेल्व एक्सेस ड्रॉइंग्स पर चार्ज किया जाएगा द ऑफ टू थाउजेंड फाइव वर फोर्टी थ्री हंड्रेड क्रेडिट ट्वेंटी सेवन हंड्रेड डेबिट एंड एटीन हंड्रेड क्रेडिट रेस्पेक्टिवली नो इंटरेस्ट इज अलाउड एंड चार्ज ऑन अब बैलेंसेज

आपका प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर का नेट प्रॉफिट एट जीरो और जो भी बिफोर एडजस्टमेंट्स लिखा हुआ है ये सारी एडजस्टमेंट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाली एडजस्टमेंट्स है इसमें कोई भी एडजस्टमेंट पी एंड एल अकाउंट की नहीं है तो हमने प्रॉफिट को अ टेस्ट लिख दिया उसके बाद जो नेक्स्ट चीज गिवन है इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट है था टेन परसेंट एंड सिक्सेंड का टेन परसेंट तो फिफ्टीन थाउजेंड नाइन थाउजेंड एंड सिक्स थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हम देख लेते हैं इन आपने उसे किया हुआ है ट्वेल्व थाउजेंड के लिए ए को एक्स को बी को वाई uh, को सॉरी टेन थाउजेंड और जेड को आपने किया है एट थाउजेंड के लिए और उन्होंने विदड्रॉ कितना किया है एक्स ने विड्रॉ किया है एटीन थाउजेंड अलाउड है ट्वेल्व और किया है उसने एटीन थाउजेंड जो वाई है उसे अलाउड है टेन और किया है उसने ट्वेंटी थाउजेंड और जो जेड है उसे अलाउड है एट थाउजेंड और उसने किया है 10,000 तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पहले हम देख लेते हैं एक्सेस ड्राइंग पे आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही जो एक्सेस ड्राइंग है वो कितनी है 12,000 अलाउड है लेकिन उसने किया है 18,000 तो 18 माइनस 12 6,000 6,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट लगाया 6,000 इनटू 12 डिवाइड बाय 100 6 12, तो 6 � से इंटरेस्ट लगा और सिक्स बाई ट्वेल्व हम कर रहे हैं क्योंकि हमें डेट्स मेंशन नहीं है सेम तरीके से वाई की एक्सेस ड्राइंग टेन थाउजेंड पे और जेड की एक्सेस ड्राइंग टू थाउजेंड पे तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाई का और जेड का और दोनों साइड को बैलेंस किया तो ये आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के अकाउंट में फाइव इंसू थ्री इंस टू टू की रेशियो में नेक्स्ट है हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हम फिक्स्ड के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आ गया बैलेंस बी डी वन फिफ्टी नाइन और सिक्सटी पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट का बैलेंस हमें यहाँ पर गिवन था फोर्टी थ्री हंड्रेड ट्वेंटी सेवन हंड्रेड डेबिट है और एटीन हंड्रेड क्रेडिट है तो फोर्टी थ्री हंड्रेड और एटीन हंड्रेड यहाँ पे ट्वेंटी सेवन हंड्रेड यहाँ पे ड्राइंग्स को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को ट्रांसफर कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कर दिया और पी एंड एल अप्रोपियशन अकाउंट में जो प्रॉफिट था उसको ट्रांसफर कर दिया दोनों साइड्स को बैलेंस किया तो आपका बैलेंस सी डी आ गया तो ये था आपका क्वेश्चन नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर